ओम शांति। आनंदित हैं सभी ज्ञान सरोवर में, बिल्कुल अच्छी तरह। यहाँ सभी को अपने लिए सोचने का अवसर मिल रहा है। जब आप अपने कार्यों में रहते हैं तो कार्यों के लिए, परिवार के लिए सोचते हैं, और यहाँ सोच रहे हैं अपने लिए। ठीक बात है, सोच रहे हैं ना। आज का जो टॉपिक है ये बड़ा गुह्य है, इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं ब्रीफली आप सबके सामने कुछ इम्पोर्टेंट बातें रखूँगा जिनसे जीवन श्रेष्ठ बन जाए, हमारी जीवन की यात्रा सुखद हो जाए, कार्यों में सफलता हो, विघ्न समस्याएं कम से कम हो। यही तो चाहते हैं ना सभी लोग। हमें अपनी दिनचर्या को भी ठीक रखना है, लेकिन पहली चीज हमें ये जानना चाहिए, इसके बारे में संसार में कोई सोचता ही नहीं है, कि हमारे जो विचार हैं, जो हम सोच रहे हैं, सदा ही सोच रहे हैं, ये हमारे विचार हमारा अनमोल खजाना भी है। जैसे आप धन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, ये भी हमारी विशेष पूंजी है जो हमें बहुत सुख देती है, ये हमारी शक्ति भी है। दो चीज़ों को ले लें आज हम, संकल्प, विचार, थॉट्स, ये हमारे बहुत बड़े खजाने हैं और शक्तियाँ हैं। हम रोज देखते हैं बहुत लोग आते हैं, दुखी हैं, केवल सोच सोच कर। कुछ के जीवन में दुखों की घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन सोचा बहुत अच्छा तो दुखों से जल्दी बाहर आ गए। कुछ लोगों के जीवन में दुखों की छोटी घटनाएं हुई, सोचा बहुत ज़्यादा तो डिप्रेशन में चले गए। हम सभी याद रखेंगे। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, जो आजकल वेल नोन है और आप सबके हाथ में है, मोबाइल, इसकी बैटरी हम चार्ज कर लेते हैं। मान लो सवेरे हमने चार्ज कर ली, अब हमारी बैटरी बहुत पावरफुल है तो सारा दिन अच्छी तरह चलती रहेगी, वीक है तो बीच बीच में चार्ज करनी पड़ेगी, हम ज़्यादा यूज करते हैं तो भी चार्ज करनी पड़ेगी। ये जो हमारा मन है ना, ये हमारी शक्ति है, जो हम कहते हैं ना, ये मनुष्य बहुत शक्तिशाली है, ये मनुष्य बड़ा कमजोर है, ये उसके मन की बात है, तन की बहुत कम। मन यदि शक्तिशाली है तो मनुष्य शक्तिशाली है, मन यदि कमजोर है तो मन बहुत कमजोर है। मैंने पीछे एक लड़के को देखा जिसकी आयु केवल 22 साल, मध्य प्रदेश में वो मुझे मिला है, बनारस के पास मिर्जापुर है शायद, वहाँ का रहने वाला। वो देखने में ताकतवर पहलवान जैसा नहीं, लेकिन वो वेट लिफ्टिंग में उसने 7 गोल्ड मेडल ले लिए भारत के लिए। तो जब वो हमारे पास आया तो पुलिस वाले ये वो उसके साथ सेल्फी ले रहे, अखबार वाले उससे पूछ रहे, भाई तुम तो देखने में इतना स्ट्रांग नहीं लगता, तुमने इतना ज़्यादा वेट कैसे उठाया। उसने बताया मैंने कितना कितना उठाया, मुझे अब सारा याद नहीं है। तो कहा ये बात केवल विल पावर की होती है, ये बात शारीरिक शक्ति की नहीं है। मनोबल किसके पास कितना ज़्यादा है उससे मनुष्य विजयी है, जीवन में सफल है। तो हम ध्यान देंगे, हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, शायद संसार की सबसे बड़ी शक्ति। गीत में आपने अगर ध्यान से सुना हो, अभी जो गीत बजा था उसमें एक लाइन थी छोटी सी, हार कर भी जो न हारे जीत उसी की होती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं,
हार होती है। ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं जिसकी कभी हार न हुई हो, होती रहती है। पर हार न मानना, कदम पीछे न हटाना, हिम्मत न छोड़ना, निरंतर प्रयास जारी रखना, ये विजय का, सफलता का मार्ग है। मैं आपको बताऊं ये संकल्प धन कैसे है। मुझे वो घटना बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे यहाँ बहुत साल पहले केन्या एक देश है अफ्रीका में, वहाँ से एक बड़ा बिजनेसमैन आया जो गुजराती था, अब तो उसने शरीर छोड़ दिया। तो उसने 6 मास ये ईश्वरीय ज्ञान लिया था और भगवान के मिलन के बहुत अच्छे अनुभव हुए थे। 47 कंट्रीज में उसने अपनी कंपनियाँ खोल दी थी। अचानक गड़बड़ हुई, देवाला हो गया, सब कुछ चला गया, उसका एक मकान ही बाकी बचा। तो वो अपने आंगन में बाहर बगीचा भी था, घूम रहा था। उसका फ्रेंड उससे मिलने आया और सांत्वना देने के साथ साथ उसने कहा, भाई बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप तो कहते थे मैंने ज्ञान ले लिया, भगवान से मिलन हो गया, भगवान ने आपके बिजनेस को नहीं बचाया। तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया, भाई बंद कर लो जरा, बहुत अच्छा उत्तर दिया, ये उत्तर हम सब के लिए बहुत अच्छा उत्तर है, मैंने भी सीख लिया था, बात बहुत पुरानी है, पर मैंने इसे एक बात से बहुत कुछ सीखा था। उसने कहा कि जितना नुकसान मुझे हुआ है, अगर मेरे पास ईश्वरीय ज्ञान न होता तो आज मैं यहाँ न घूमता फिरता, आपको दिखता मैं ऊपर चला गया होता। तो उसने एक बड़े काम की बात कही कि जब मैं भारत से केन्या में आया था तो मैं एक अटैची लेकर आया था और किराए के अलावा मेरे पास थे केवल 200 रुपये, बात पुरानी है। कहा मैंने मेहनत की, मैंने सब कुछ क्रिएट किया, मैं जिंदा हूँ, मैं फिर क्रिएट कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ, मैंने प्लानिंग बना ली है कि मैं पुनः कैसे क्रिएट करूँ। और हमने देखा कि 4-5 साल में ही उसने अपना साम्राज्य फिर बड़ा खड़ा कर लिया। तो मनुष्य को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक संकल्प उसके लिए पूंजी बन गया ना, उसकी शक्ति बन गया कि मैंने क्रिएट किया था ना, मैं फिर क्रिएट करूँगा। ये तो चीज़ें हैं, आती हैं और चली जाती हैं। आज किसी के पास है, कल किसी के पास होगी, आज किसी का नाम ऊंचा है, कल किसी का होगा, आज कोई आसमान पर है, कल कोई दूसरा आसमान पर होगा, ये संसार का खेल चलता रहता है। हमें अपने विचारों को बहुत सुंदर बनाना है, बहुत पॉजिटिव बनाना है। मैं थोड़ी बातें आपको कह दूँ मन की शक्ति के बारे में। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक एक दिन में कोई 50,000 संकल्प उठाता है। देखिए, कोई सोचेगा नहीं कि हम 50,000 संकल्प उठा रहे हैं, कोई 40,000, किसी के लिए तो उन्होंने कहा 60,000 भी उठाता है। इससे हमारी मन की शक्तियाँ नष्ट होती रहती हैं। जैसे हम अपनी मोबाइल की बैटरी को ज़्यादा यूज कर लें, ऐसा ही हाल हो रहा है, मन को ज़्यादा यूज किया जा रहा है तो तेजी से बैटरी डाउन हो रही है। आज मैं सभी को सावधान करता हूँ, आजकल एक चीज़ के लिए मैं 2015 से सावधान कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा था कि समय ऐसा खराब आ रहा है, मनुष्य के मन की जो शक्ति है वो तेजी से नष्ट होती जा रही है और आजकल के बुद्धिमान लोगों को उसका पता नहीं है और वो शक्ति नष्ट हो रही है निगेटिव थिंकिंग से, मोबाइल और नेट पर ज़्यादा रहने से, टू मैनी इन्फॉर्मेशन लेने से मन कंफ्यूज होता है। तो मुझे ऐसा लगता था 2015 में, मैंने अपनी क्लासेज में कहना शुरू किया कि मुझे ऐसा लग रहा है ये संसार डिप्रेशन की ओर बढ़ रहा है।
इस संसार में मानसिक शक्तियां तेजी से लोगों की नष्ट हो रही हैं और मनुष्यों को इसका एहसास नहीं है, इसकी कोई फीलिंग नहीं, इसका कोई रियलाइजेशन नहीं है। हमारी एजुकेशन है बहुत ज़बरदस्त। आजकल हमारे देश में भी, अब से 50 साल पहले को हम याद करते हैं जब हम पढ़े थे, कभी कितने स्कूल कॉलेज प्राइमरी स्कूल तो बहुत कम होते थे, बच्चों को दूर दूर भेजना पड़ता था। एजुकेशन टॉप पर पहुंच गई है, लेकिन कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बच्चों को जीने की कला नहीं सिखा रहा है। एजुकेशन मात्र इंफॉर्मेशन बनकर रह गई है। तो मैं देखता आया 2015 से 2016 में मेरे पास डिप्रेशन के मरीजों की संख्या ज़्यादा आने लगी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ पर मेरे पास आते हैं हल लेने। 2018 में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई और अब ये 2015 की भेंट में 10 गुनी बढ़ गई। और पिछले साल में सुना 2018 में कि जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि 2020 से ये संसार डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, डिप्रेशन महामारी बन जाएगी संसार में। तो देखिए, दो चीज़ें उभर कर सामने आ गई हैं संसार में, कैंसर और डिप्रेशन। हमें दोनों से अपने को बचाना है और इस बचाने का एक ही तरीका है कि हम अपने मन को बहुत स्ट्रांग बनाएं, उसको कमज़ोर न होने दें। कमज़ोर मन की निशानी है, किसका मन कमज़ोर है, किसका स्ट्रांग है, आपके पास एक छोटा सा पैमाना हो। यदि हम बहुत सोचते हैं, हम अपनी खुशी खो देते हैं सोच सोच कर। यदि हम बहुत निगेटिव सोचते हैं तो समझ लें हमारा मन कमज़ोर हो रहा है। और कमज़ोर मन, मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट बता देता हूँ इस संसार का। हमारे चारों ओर पोल्यूशन बहुत है, आप सब जानते हैं, पता है ना सबको पोल्यूशन। इस पोल्यूशन से कितना नुकसान हो रहा है, लोग बोलते थे, वैज्ञानिक बोलते थे, लेकिन किसी ने उस बात को सुना नहीं। कीड़े पैदा होते हैं फसलों में, फसलों के कीड़ों को नष्ट करने के लिए कीटनाशक डाले जाते हैं। अब वो इतने डाले जा रहे हैं कि उस अन्न और सब्जी को खाने से कैंसर हो रहे हैं। मैं तो अखबार में पढ़ा अभी 15 दिन पहले, हमारे यहाँ राजस्थान पत्रिका नाम से एक अखबार आता है, बहुत अच्छा, उसमें लेख होते हैं 2-4 अच्छे रोज। तो मैंने भी देखा, एक लेख था, मैंने उसको ध्यान से पढ़ा। उसने वर्णन किया था कैंसर क्यों बढ़ गया और एक विशेष डेटा दिया कि बहुत जल्दी 1-2 साल में कैंसर पेशेंट की संख्या 3 गुनी हो गई है अन्न खाने से। उसने ये बात कही, मैं ये बात 10 साल से कह रहा था कि जो कीटनाशक डाले जा रहे हैं ये बीमारियों का असली कारण है, इसमें डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, एक चक्र व्यू बढ़ गया, पोल्यूशन बहुत हो गया। अब दो तरह के पोल्यूशन हैं, एक पोल्यूशन तो वो जिसको लोग जानते हैं, धुआं, गंदगी, ये वो सब, लेकिन दूसरा पोल्यूशन है मेंटल। मन के नेगेटिव वाइब्रेशंस की तरंगे भी इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। जो मनुष्य नेगेटिव सोच रहे हैं, जो बहुत पाप कर रहे हैं, जो बहुत विषयी बन गए हैं, जो बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग में है, उनसे निगेटिव एनर्जी इस ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। अब मैंने जो बात कही थी उसे आप ध्यान से सुन लो। अगर हम निगेटिव हैं, अगर हम सेंसिटिव हैं, बहुत ध्यान देंगे सभी के काम की हैं, हम निगेटिव सोचते हैं, हमने मन को कमज़ोर बना लिया है, हम बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, तो ये जो हमारे चारों ओर बैड एनर्जी है इसको हम ग्रहण करते रहते हैं, ये हमारे अंदर आती रहती है और हमारी मन की शक्तियाँ और डाउन होती हैं, बीमारियाँ और बढ़ती हैं।
क्योंकि बीमारियों को भी रोकने का सबसे सुंदर तरीका मनोबल है, मन की शक्तियां हैं, तो हम निगेटिव नहीं होंगे। सभी आज की इस चर्चा से जो भी निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं उनको पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी है। हर व्यक्ति निगेटिव सोच रहा है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। मैं आपको अभी की एक घटना सुनाऊं। नीचे हमारा प्रोग्राम था, एक बहन आई मेरे पास, माँ और बेटी। बाप जो है बड़ा बिजनेसमैन, अच्छे पैसे वाले। अब इस लड़की को बचपन से ही एक डर सता रहा था। देखिए, बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। उसको भय सता रहा था, उसका अपने पापा से बहुत प्यार है, उसको भय सता रहा था पापा को कहीं कुछ हो न जाए, और इस डर के कारण उसका मनोबल वीक पड़ता जा रहा था। तो अभी नज़दीक एक मास पहले ही उसके पापा को हार्ट अटैक हुआ। फटाफट डॉक्टर के पास ले गए। अब जो मेडिकल प्रोफेशन है वो भी बिजनेस है, आजकल पता है ना बिजनेसमैन को सबको। उसने सब कुछ पूछा, जल्दी ही डॉक्टर को समझ में आ गया बड़ी पार्टी है। बोल दिया 50 लाख खर्च होगा अगर बचाना है इसको, मरता क्या नहीं करता, लो भाई 50 लाख बचाओ। बचा दिया, लेकिन हार्ट का हाल तो वही है, केवल बच गया। अभी इसको फिर डर डबल हो गया, मेरे पापा को कहीं कुछ हो न जाए। और ये लड़की बड़ी आयु हो गई अब उसकी 30-32 साल। ये लड़की सहमी बहुत डरी डराई, बहुत घबराई हुई, उसके चेहरे की सारी खुशी नस, चेहरे पे डिप्रेशन के लक्षण। उसको पक्का हो गया अब तो मेरे पापा को कुछ हो ही जाएगा। ये निगेटिव संकल्प हैं। मैं आप सभी भाई बहनों को सावधान करना चाहता हूँ। एक और सीक्रेट आप सुन लें, मैं केवल कुछ सीक्रेट आपके सामने रखूँगा क्योंकि थोड़ा समय है इस लेक्चर के लिए। जो कुछ हम सोचते हैं, ध्यान देंगे बहुत, जो कुछ हम सोचते हैं उससे एनर्जी जनरेट होती है। हमारे हर विचार से एनर्जी पैदा होती है। निगेटिव विचार से निगेटिव, पॉजिटिव विचार से पॉजिटिव। जो कुछ हम सोचते हैं उसकी तरंगें फैलती हैं चारों ओर, उसके वाइब्रेशंस फैलते हैं। ये वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते हैं, हमारे चारों ओर ये प्रकृति है। ये वाइब्रेशंस प्रकृति में जाते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कह रहा हूँ, ये साइंटिफिक या साइकोलॉजी वालों की लैंग्वेज नहीं, उनकी बड़ी कठिन लैंग्वेज होती है। हमारे मन की तरंगें प्रकृति में जाती हैं, प्रकृति और इन तरंगों के बीच रिएक्शन होता रहता है सदा ही। इस सारे संसार के खेल में सदा ही रिएक्शन हो रहा है। दो चीज़ें मिल रही हैं, तीसरी बन रही है। और जो हम सोचते हैं इस सिद्धांत से प्रकृति वही निर्माण करने लगती है, हमारे पास वापिस आ जाता है वही जो हमने सोचा है। क्लियर है ये बात, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। तो मैंने इस बहन को बताया कि तुम बार बार सोच रही थी ना 10-15-20 साल से, मेरे पापा को कुछ हो न जाए, ये आपके संकल्पों का परिणाम है। कईयों में बहुत उल्टे संकल्प रहते हैं। माताएं कई आई, बिल्कुल सच्ची घटनाएं, बच्चा बाइक पे जाता है कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, डरी रहती है जब तक वो वापस ना आए। तो ये बैड एनर्जी एक्सीडेंट की सिचुएशंस को क्रिएट करती है। इसलिए
किसी को भी निगेटिव नहीं होना है, हमें पॉजिटिव होना है, तो हम पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे। आगे बढ़ूं मैं? क्लियर है? क्लियर है पीछे वालों को? सब ठीक? एक संकल्प आज से पक्का कर दें सभी, मेरे साथ ही पक्का करेंगे, और रोज सवेरे उठकर कुछ दिन तक 5 बार ये संकल्प करेंगे और इसको अपनी नेचर बनाएंगे, आदत बना लें इसको अपनी। और वो संकल्प है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जरूर आपको पसंद आया होगा ये संकल्प। आप ये समझ लें, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर फ्यूचर, हम अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हैं। जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा होता रहेगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक मिनट मैं आपको देता हूँ, डीप साइलेंस में बैठेंगे और अपने अंदर ये विचार भर लो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। पहला विचार करेंगे, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान की संतान हूँ, मेरा परमपिता भाग्य विधाता है, उसने मेरा भाग्य बहुत सुंदर बनाया है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 3 बार कर दें ये संकल्प। ओम शांति। ये संकल्प आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। आपने यहाँ आकर राजयोग तो अवश्य सीख लिया होगा। सीखा है? किस किस ने सीखा? देखो जरा हाथ उठाएंगे। अभी लेसन बाकी होगा, है कल है ना? मैं आपको एक दो चीज याद दिलाऊं, सवेरे उठकर क्या क्या करें। थोड़े सभी बिजनेसमैन अपनी दिनचर्या को ठीक करेंगे, देर से सोना, देर से खाना और देर से उठना। ये बिजनेस वालों को थोड़ी आदत पड़ जाती है, काम काज लेट तक कराएंगे, अकाउंट आदि का काम समाप्त करेंगे, लेट खाना खाएंगे तो लेट उठेंगे। इसको थोड़ा चेंज करें आप, ताकि आपको अपने लिए भी समय बचे। और कोई भी बिजनेसमैन बुरी चीज़ों में न चला जाए, व्यसन बहुत चले जाते हैं। पैसा बढ़ गया, क्या करें, पीने लगे, खाने लगे, होटलों में जाने लगे। थोड़ी देर का एन्जॉयमेंट तो है, लेकिन बहुत बड़ा पतन है मनुष्य का। इसलिए इन सब से बचने के लिए आप अपने को थोड़ा सा रोज सवेरे समय दें। यहाँ तो शायद आप भी 4 बजे उठ जाते हो, सवेरे उठते हैं, कैसा लगता है उठ के? खैर, यहाँ तो वातावरण भी बड़ा पीसफुल, बड़ा स्पिरिचुअल, यहाँ की तो बात ही अलग है। लेकिन जब आप अपने घर में हैं, तब भी अपनी दिनचर्या को रीमैनेज करें, सूर्योदय से पहले अवश्य उठ सकें, नींद भी पूरी हो जाए, और हम जल्दी उठ के अपने को थोड़ा समय दें। एक गुह्य सीक्रेट फिर से सुन लें आप, जब मनुष्य सोकर उठता है, ये मन की शक्ति का बहुत ही सुंदर प्रयोग भी है, जब हम सोकर उठते हैं
तो 10 मिनट तक हमारा अंतर मन जगा होता है। मन को कई भागों में बांटा है मनोवैज्ञानिकों ने, इसमें दो हिस्से और ये एक हिस्सा जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये मन जिससे हम सोच रहे हैं, मन का ये पार्ट, दूसरा अर्धचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, वो तब एक्टिव हो जाता है जब हमारा ये मन शांत हो जाता है। अब आप देखिए, सवेरे जब कोई मनुष्य सोकर उठता है तो उसका मन शांत होता है ना, कुछ दिन, कुछ देर तक, 10 मिनट हैं ये मनुष्य के लिए। जब उसका मन शांत होता है, इन 10 मिनटों में अंतर मन फुल्ली एक्टिव रहता है। अगर आपने उठते ही अखबार पढ़ा या टीवी खोल लिया आज क्या क्या न्यूज आए हैं, या व्हाट्सएप पर लग गए, तो समझ लो आपने बैड एनर्जी अपने अंदर भर ली और ये सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, जो मोस्ट पावरफुल है उस समय, ये आपके जीवन पे बुरा प्रभाव डाल रही है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, उठते ही न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे 10-15 मिनट के बाद। कुछ ऐसा हो नहीं रहा कि 15 मिनट के बाद न्यूज आपको मिलेंगी तो कोई नुकसान हो जाएगा, होता है क्या कुछ? थोड़ा बाद में पढ़ लें, इसमें क्या है। ये 15 मिनट आप अपने को दे देना सवेरे, तो जीवन की धारा बदल जाए, विचार बदलते ही आपका संसार बदल जाएगा, ये आपको याद रखना है। और विचार अगर दूषित रहे, विचार अगर निगेटिव रहे, विचारों में अगर ईगो रहा, तो जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मनुष्य को। तो सवेरे हम उठते हैं, 10 मिनट बहुत सुंदर समय है हमारे पास रोज, इसमें सुंदर विचार करें। अगर आपको आदत पड़ जाए सवेरे सुंदर विचार करने की, तो ये जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। देखो, आपके घरों में होगा कईयों के, पहले तो ये एक प्रथा थी कि घर बनाएंगे तो उसमें एक मंदिर भी होता था, या नहीं? किस किस के घरों में है आजकल भी? देखो, आपके घरों में बहुत ओके में है, कहीं तो बड़ा ही एक पूरा कमरा ही मंदिर को दे दिया जाता था, घर बड़ा है तो अच्छी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करा के उसमें स्थापित कर दी जाती थी। उसका लक्ष्य एक ही होता था भक्ति में, कि सवेरे उठकर मनुष्य वहाँ जाए, अच्छे विचारों से दिन की शुरुआत हो। ये रोज हमारी दिन की शुरुआत हमारे फ्यूचर का निर्माण करती है, हमारे भाग्य का निर्माण करती है, ये आपको याद रखना है। सवेरे क्या क्या सोचेंगे, मैं प्रैक्टिकल बातों पर ही आना चाहता हूँ, लेकिन ये बात आप याद रखेंगे कि सवेरे के 10-15 मिनट गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, ऐसा समय दिन में और कभी नहीं होता। और अगर कोई जल्दी उठने लगे, जैसे यहाँ 4 बजे उठते हैं, जब प्रकृति शांत है, हैं, प्रकृति बहुत पीसफुल, बहुत प्योर है, तो आपको बहुत बहुत फायदे हो जाएंगे। जो लोग देर से उठते हैं, 10 बजे उठे, कई लोग तो और भी देर से उठते हैं, बिजनेस वाले मुझे, मेरे पास आते हैं ना, मैं पूछ लेता हूँ कब उठते हैं, 12 बजे उठते हैं सो के। तो तब क्या होता है, 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे, संसार की सारी बैड एनर्जी भी एक्टिव हो गई ना। अब आप उठे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो ये बैड एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड में आने लगी। ये है टेंशन का, बीमारियों का, अशांति, तनाव और घरों में झगड़ों का मूल कारण। सवेरे के समय को सुंदर बनाओ, मैं तो ऐसे कहता हूँ,
ये बहुत ही प्रिय बात है, मुझे भी अच्छी लगती है। सवेरे उठो तो मुस्कुराते हुए, सो तो मुस्कुराते हुए, तो भाग्य भी मुस्कुराने लगेगा। सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। सफलता के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। धन भी आपके पीछे पीछे आएगा। धन कमाने में आपको मेहनत नहीं पड़ेगी। कार्यों में विघ्न समस्याएं नहीं आएंगी, गड़बड़ नहीं होगी। तो सवेरे उठकर सुंदर विचार करेंगे। पहला विचार कौन सा होना चाहिए, बोलो। आपने कुछ सीखा होगा यहाँ। बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं आप, सुन रहा है इधर। एक बात तो आज से आप पक्की कर दें, यहाँ ज्ञान सरोवर में आने से एक बात तो कभी नहीं भूलना, हम भगवान के बच्चे हैं। ठीक बात है ना? इसमें तो कुछ और सोचने की बात नहीं होती। संसार के सभी लोग, सभी आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। सवेरे उठते ही आपको अपने को कुछ याद दिलाना है, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना है, अपने अंदर खुशी के विचार भरने हैं, अपने चित्त को शांत करना है। आप इसको ऐसा कह दें कि अपने मन की बैटरी को रोज चार्ज कर देना, फुल्ली चार्ज, 100% पे पहुंच जाए वो, फिर सारा दिन आप उसे यूज करेंगे ना, आनंद ही आनंद रहेगा। टेंशन नहीं होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप परेशान नहीं होंगे, आपको कोई तंग नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, आपका पेमेंट भी नहीं रोकेगा। बिजनेस वालों को ये भी समस्या बड़ी रहती है ना, दे नहीं रहा भाई, 50 लाख हो गए, करोड़ हो गए, दे ही नहीं रहा, कहता दूंगा दूंगा, देता ही नहीं, समस्या हो जाती है। देखो बिजनेस में सबको थोड़ा इतनी ऑनेस्टी तो रखनी चाहिए, भाई लेन देन ठीक ठीक होता रहे, किसी को हमसे भी परेशानी ना हो, हमें भी किसी से परेशानी ना हो। ये तो सभी बिजनेस वालों को एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाना चाहिए। तो सवेरे उठते ही पहला विचार आप करना, देखो आपको ये पसंद आएगा और आप इसे अभी से ले लें जीवन में। शिव बाबा है ना हमारा परमपिता भगवान, उसे शिव बाबा कहेंगे। अब वो मेरा परमपिता है तो वो मेरा है ना, नाता जोड़ लो उससे, वो मेरा पिता है, वो मेरा है। जैसे यहाँ आपकी फैमिली है ना, बच्चे, माँ बाप, स्त्री पुरुष सब, ऐसे ही हम उसकी भी फैमिली हैं। उठते ही उसको गुड मॉर्निंग करना, हो सके तो 5 सेकंड के लिए उसको देखना ऊपर और शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और फिर फील करना उसका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया। यहाँ से शुरू करना अपनी दिनचर्या को, आप भगवान के आशीर्वाद के साथ आपकी यात्रा सवेरे से प्रारंभ हो। यात्रा को सबको सुखद बनाना है। यात्रा पे जाते हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखते हैं ना भाई, किसी को दवाई चाहिए तो दवाई रख लें पर्स में, पैसा इतना रख लें, खान पान का कुछ रखना है वो रख लें, जरूरी चीज़ें रख लें। हमारी जीवन की यात्रा रोज शुरू होती है ना, पहला सुंदर विचार ये करेंगे। दूसरा एक विचार जो मैं सबको याद दिलाता हूँ और जिससे आज तक पिछले कम से कम 25 साल से मैं ये अभ्यास कराता हूँ, बहुत अच्छे कराए होंगे, लाखों में पहुँची होगी संख्या, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। भगवान सर्वशक्तिवान है ना, तो हम भी तो शक्तिशाली होंगे या नहीं, बोलो। टाइगर का बच्चा क्या होगा, तो सर्वशक्तिवान के बच्चे बहुत शक्तिशाली। इसके लिए एक शब्द है, मैं भगवान है सर्वशक्तिवान, मैं हूँ मास्टर सर्वशक्तिवान।
ये शब्द आप याद रखना। इसकी सिंपल भाषा है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ। आप अगर सवेरे उठते ही इस संकल्प को 7 बार कर लें तो आपकी सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी, मन पावरफुल होने लगेगा। बहुत सारे डिप्रेशन के लोगों को हमने ये लिखाए हैं कि सवेरे उठकर थोड़ा 6 बजे तक उठ जाओ, डिप्रेशन वाले ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाते, 6 बजे तक उठ जाओ और शांति में बैठकर 108 टाइम लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 7 दिन तक तो उनको भारी लगा ये सब, लेकिन 7 दिन के बाद वो एन्जॉय करने लगे इसको लिखने को भी। उनके ब्रेन को एनर्जी जाने लगी, ब्रेन में जो कुछ डैमेज हुआ था वो रिपेयर होने लगा और बहुत फायदे हो गए। तो सवेरे उठकर आप 7 बार ये संकल्प रोज कर लेना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ अर्थात बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ऐसे सोचना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, आपकी शक्तियाँ जग जाएंगी। आपका मनोबल यदि वीक पड़ गया है, आपको यदि डर लगने लगा है, आपके मन में यदि परेशानी बढ़ने लगी है, आप यदि ज़्यादा सोचने लगे हैं, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। जिसको मन की ज़्यादा परेशानी है वो इसको ज़्यादा टाइम लिख लें, 21 टाइम से शुरू करें, रोज़ 10-10 बढ़ाएं, तो ब्रेन को एनर्जी जाएगी, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, चित्त चैन पाएगा और इसका आपके जीवन पर बहुत भारी इफेक्ट होगा। तीसरा संकल्प जो आप सुना रहे थे, खुले मन से कर देना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। बोल दो जरा एक बार, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, टेंशन आपकी चली जाएगी। 3 बार 5 बार संकल्प करना, और अगर आपका कमरा अलग है बिल्कुल तो जरा खुले दिल से कर देना, हाथ ऊपर उठा के ऐसा कर देना कि आकाश भी सुने, चांद तारे सूरज सुन ले, नीचे से आवाज आ रही है कुछ, कौन हूं मैं, बहुत भाग्यशाली। ये सच है बात, नीचे से आपकी तरंगे पहुंचेंगी। जब मनुष्य खुले मन से कुछ संकल्प करता है तो ये ब्रह्मांड वाइब्रेट होने लगता है हमारे संकल्पों से, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है। अगला संकल्प करना, मैं बहुत सुखी हूँ, ये भूलना नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ, हे शिव बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं बहुत सुखी हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अपने परम पिता को शुक्रिया करना। अगला संकल्प करना, मैं बहुत धनवान हूँ, और अगर आपके ऊपर या किसी के ऊपर कहीं कर्ज हो तो सच्चे मन से संकल्प कर देना, मैं कर्ज से मुक्त हूँ। चमत्कार देखना इस संकल्प का, मैं कर्ज से मुक्त हूँ, वही काम करने लगेगी चीजें आपके साथ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस एक संकल्प के भी हमने मैजिक देखे, जादू देखे लोगों के साथ होते हुए। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये सवेरे के सुंदर संकल्प आपको बहुत सुखद फीलिंग देंगे, जीवन की यात्रा को आनंद से भरेंगे। ये कुछ बातें हैं जो मन के बारे में आप याद रखना। मैं 2-3 बातें आपके सामने और रखना चाहता हूँ जिनसे आपके मन की स्पीड स्लो डाउन हो, जिससे आप परेशान न हो, जिससे आपके संबंधों में स्वीटनेस आ जाए। बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल संबंधों में मिठास घोलना, बहुत ज़रूरी हो गया है। आप अपने से बातें करेंगे, मेरा
ईगो इम्पोर्टेंट है, अहम, मेरा ईगो इम्पोर्टेंट है या मेरे स्वीट संबंध इम्पोर्टेंट हैं? क्या इम्पोर्टेंट है? संबंध। मनुष्य के पास खाने की रोटी भी कम हो ना और प्यार बहुत हो परिवार में, तो आधी रोटी में पेट भर जाता है। और झगड़े हों, सब कुछ भारी हो जाता है घरों में। इसलिए अच्छे और समझदार बुद्धिमान मनुष्य को झुककर चलने की आदत डालनी चाहिए। मैं ही राइट हूँ, मैं क्यों चेंज हूँ, तुम्हें होना है। मैं राइट हूँ, तुम गलत हो, इस पे झगड़े होते रहना, इससे जरा बचेंगे सभी भाई बहनें। ईगो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट हमारे मधुर संबंध हैं। देखिए, स्त्री पुरुष का संबंध कितना समीप का संबंध है, दोनों जीवन साथी हैं। एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों में टकराव हो तो मज़ा नहीं आता जीवन का, बच्चों पर भी बुरा असर आता है। सभी ध्यान देंगे, झुकना है या झुकाना है? पक्का सभी, या झुका के मज़ा आता है? मज़ा तो आता है पर फिर मज़ा बिगड़ भी जाता है। इसलिए जो झुके वही महान, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने परिवार में शांति के लिए, बहुत अच्छी हारमनी रहे परिवारों में। हमारी दादी थी ना प्रकाशमणि, एक बार हमारे यहाँ हारमनी ये टॉपिक रखा गया था, समाज में हारमनी। तो अब इंग्लिश तो बुजुर्गों को कम आती है, उन्होंने एक सीधा सा शब्द बोल दिया, हार मान लो तो हारमनी हो जाएगी। सबको बड़ा पसंद आ गया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, सारी दुनिया से लोग आए हुए थे, 3,000। हार मान लो, मनुष्य हार ही तो नहीं मानता, यहाँ हमें हार माननी है। जीवन में हार नहीं माननी, निराश नहीं होना है, असफलताओं से हारना नहीं है, लेकिन संबंधों में थोड़ा झुक कर चलना जीवन के लिए बहुत अच्छी बात है। इस पर सभी ध्यान देंगे, यहाँ आए हैं तो आपके जीवन की यात्रा बहुत सुखद हो। थोड़ा सा अपने को चेंज करके जाएंगे, अपने विचारों को चेंज करेंगे, नहीं तो क्या घर में जरा सा मनमुटाव हो, आप काम पर जाएंगे, अपने बिजनेस पर, उस मनमुटाव की छाया दिमाग पर रहेगी, उसकी छाया वहाँ पड़ेगी, जीवन का मज़ा बिगड़ जाता है। आपको धन भी मिल जाए लेकिन सच्चा सुख शांति प्रेम न मिले तो जीवन में मज़ा बहुत कम आता है। दूसरी बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। राइट बात है। आप किसी भी बात के बारे में पीछे मुड़कर देखो, एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले आपके साथ कुछ हुआ था, आपने बहुत सोचा था, और जब रियल बात सामने आई थी तो आपको लगा होगा हमने ऐसे ही सोचा, ये तो था ही नहीं, हम यूं ही सोचते रहे, ऐसे ही परेशान होते रहे। ज़्यादा सोचने की आदत को ठीक करेंगे, और इसका तरीका यही है कि सवेरे उठ के मन को सुंदर विचार दे दो, बस वो विचार आपके मानस पटल पर छाए रहेंगे और विचार कम से कम आएंगे। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह आखिरी सुंदर बात मैं आप सबको कहना चाहूँगा, आज मनुष्य में होल्डिंग नेचर बहुत हो गई है, बातों को पकड़ कर रखने की आदत। कोई भी बात दिमाग में रख ली है, सदा के लिए रख छोड़ी है, दूसरों के लिए भी रख ली है, ये व्यक्ति ऐसा ही है, ये व्यक्ति बड़ा खराब है, ये ऐसा है, ये ऐसा है,
तक निगेटिविटी अपने अंदर में रख ली। वो तो खराब है लेकिन उसकी खराबी तो हमने रख ली ना। और मैंने आपको बताया था कि हमारा हर संकल्प एनर्जी पैदा करता है। जो बातें हमने पकड़ के दिमाग में रख ली हैं उनसे बैड एनर्जी लगातार पैदा हो रही है, वही बीमारियों का और अनेक समस्याओं का कारण है। इसलिए छोड़ते चलो, जो कुछ आज तक हो गया उसको फुल स्टॉप लगाना है। मैंने एक बहुत अच्छी बात सीख ली थी जीवन में, वो दो रूपों में मैं आपको सुना देता हूँ। जो व्यक्ति बातों को होल्ड करके रखता है, जो व्यक्ति बातों को पकड़ के रखता है, उसके सामने से अवसर रोज आते हैं लेकिन निकल जाते हैं, क्योंकि वो बातों में उसकी एनर्जी लगी हुई है। बातों को पकड़ कर न रखो, सुंदर अपॉर्चुनिटी आपके पास रोज आ रही है, सुंदर अवसर आ रहे हैं आपके पास रोज। एक बात और, भाई गीत बजाया है तो ठहर जाओ। एक बात और, आपका कोई साथी बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रहा है, आप दोनों साथी थे, दोनों गुड फ्रेंड थे, वो तेजी से आगे निकल गया, नाम हो गया उसका, काम बढ़ गया, धन बढ़ गया, अब आपको उससे ईर्ष्या होने लगी थोड़ी थोड़ी। ध्यान देंगे इस सीक्रेट पर, तो उससे आपको ईर्ष्या नहीं हो रही है, किससे हो रही है? उसकी प्रोग्रेस से, उसकी सफलताओं से। तो जिस चीज से हम ईर्ष्या करते हैं वो हमारे पास कभी नहीं आती, तो प्रोग्रेस हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करो, ये बहुत भाग्यवान हैं, बड़े मेहनत करने वाले हैं, रुके नहीं, देखो बाधाएं तो इनको भी आई, बढ़ते गए, तो सफलता आपके चरणों में भी आ जाएगी। तो ईर्ष्या नहीं, अप्रिशिएशन। तो आप बहुत अच्छा अपने मन को सवेरे उठकर और सोने से पहले आज का जो भी इधर ऐसा वैसा भरा था उसको खत्म करके सोएंगे तो जीवन की यात्रा बहुत सुंदर हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।